लॉकडाउन तो हो गया है लेकिन किसी को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसकी कोई पुष्टि करने नहीं आ रहा है। तो वैसे में हमारे जो रानी तलाव के हमारे यंग ग्रुप जो राजा भाई जैसे जावेद भाई ऐसे ऋषभ भाई ऐसे हमारे कुछ भाई जो ऐसे हमेशा हम बोलते हैं कि हमारे देश के मुसलमान इसने ये किया उसने दंगा किया इसने ये किया हमेशा हम उनको कलंक लगाते रहते हैं। लेकिन अगर जब भी देश पे हमारे हिंदुस्तान पे जब भी मुसीबत आई है फिर वो 1947 से पहले हो या 2020 के बाद हो या 2020 के आने वाले 21 के बाद हो हमेशा मुसलमान आगे था आगे है और आगे ही रहेगा ये मैं जानता हूँ। क्योंकि ये मीडिया में कभी खबर आएगी नहीं कि हमारे मुसलमान भाई आज तक अच्छे सूरत के अंदर खाना बांट रहे। आज तक मैंने कोई ऐसा देखा नहीं कि मुसलमान भाई के अलावा कोई गली में आया भाई तुमने खाना खाया कि नहीं खाया और बदनाम करने में हमारा मीडिया हो या हमारा देश का कोई भी जातिवाद संगठन हो हमेशा उन्हें बदनाम करना चाहते। तो मैं चाहता हूँ भाई जातिवाद छोड़ो और सबको भाईचारा हो जैसे हमें एक भाई की बराबर रख रहे। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ डॉक्टर बाबा साहब के जन्म जयंती के हिसाब से कि मुसलमान ना अपना दुश्मन था ना हम उनके दुश्मन है। उन्होंने कभी हमें अपना दुश्मन नहीं माना और मैं चाहता हूँ कि हमें भी उनका दुश्मन मानना नहीं है। आज हमारे रानी तलाव के यंग ग्रुप के हमारे जो भाई लोग हैं मुसलमान भाई उनके वजह से आज हर कोई दो वक्त की रोटी खा रहा है और अच्छी तरह से खा रहा है। ऐसा भी नहीं कि चलो भाई खराब खाना ला के दे रहे उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है। तो मैं उनका हमारे बेस्तान आवास के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जितने भी सभी संगठन और सभी समाज के तरफ से उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमेशा जब भी देश पे मुसीबत आती है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।